वेलकम टू एमी क्रेजर का, मेरा नाम है अमृत। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ में अमेजिंग टिप शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, उससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलते रहते हैं, वो भी रोज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप अपने पुराने से पुराने दाग खाज खुजली को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो इस रेमेडी को आप जरूर ट्राई करें। दाग खाज खुजली का मुख्य कारण है कि हम शरीर की ठीक से सफाई नहीं करते हैं, तब ही हमें प्रॉब्लम होती है। और दाग खाज खुजली उस जगह पर होती है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है, चिपचिपी जगह होती है और वहाँ पे ज्यादा हवा नहीं लगती, उस जगह पे दाँत खाज खुजली की सबसे ज्यादा शिकायत देखने को मिलती है। तो इस रेमेडी को चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो उस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे लिया है वो है नवरत्न तेल। नवरत्न तेल जो है दोस्तों जड़ी बूटियों से बनाया जाता है और ये हमारे स्किन के रोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसे हम दांत खाज खुजली में किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं चलिए देख लेते हैं। जब किसी को दांत खाज खुजली होती है उस जगह पे इतनी ज़्यादा खुजली और इतनी ज़्यादा जलन होती है तो कुछ काम करने का हमारा मन भी नहीं करता। तो इस तेल को अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडक मिलेगी। ये डिजीज़ जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा फैलता है, इसीलिए समय पे इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वैसे तो इस रोग के लिए आपने मार्केट से कई सारे क्रीम खरीदने होंगे, मगर एक बार इस रेमेडी को आप ट्राई करके तो देखिए दोस्तों, आपको ये रेमेडी बहुत पसंद आएगी। इस रेमेडी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस रेमेडी को लगाने से आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा, रिलीफ महसूस होगा, साथ ही आपको ठंडक मिलेगी उस जगह पे और आपको जलन भी नहीं होगी। अगर आप इसे ट्राई करते हैं और आपको ये पसंद आता है, आपको इससे फायदा मिलता है, तो कुछ दिनों के लिए आप इस रेमेडी को जरूर लगाएं। इससे आपकी जो दांत खाज खुजली जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे एक बड़ा चम्मच तेल लेना है। अगर आपके शरीर में ज्यादा है दांत खाज खुजली तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी जो परेशानी है बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको दांत खाज खुजली हो गई हो और कोई रेमेडी आप कर रहे हो तो आप खट्टी चीजों से दूर रहे और साथ ही आप साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखें। अगली चीज जो इसमें हमें लगने वाली है वो है कपूर। ये वही कपूर है जो पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं। कपूर में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, हमारे शरीर से फोड़े फुंसी दाग धब्बों को दूर करने की क्षमता रखता है और साथ ही हमारे स्किन में जो इन्फेक्शन होता है उससे भी दूर करता है कपूर। दोस्तों कपूर आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा या जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है वहाँ पर मिल जाएगा और आजकल तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। कपूर को कूट के हम इसका पाउडर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप 3 से 4 कपूर ले लें और किसी भी भारी चीज़ से इसे कूट ले तो इसका पाउडर बहुत ही आसानी से बन जाता है। कपूर जो होता है दोस्तों दांत खाज खुजली को जड़ से ही समाप्त करता है। तो ये देखिए पाउडर इसका काफ़ी आसानी से बन गया है। तो इस रेमेडी के लिए आपको लेना है कपूर और साथ ही लेना है नवरत्न तेल। आप हमेशा अपने शरीर की साफ सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखें दोस्तों और साथ ही जब भी आप नहाते हैं, नहाने के बाद में आप साफ टॉवल से अपने बॉडी को पूरी अच्छी तरीके से पोंछ लें, बिल्कुल भी गीला ना रखें, क्योंकि जहाँ पे गीलापन रहता है, चिपचिपापन रहता है, पसीना ज़्यादा आता है, वहाँ पर ये रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और हाइजीन का ध्यान रखते हैं तो आपको ये रोग होने ही नहीं पाएगा। तो ये ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा है दोस्तों जो आपके शरीर से दांत खाज खुजली को जड़ से ही समाप्त कर देगा। तो यहाँ पे हम लेंगे तीसरी और आखिरी चीज, वो है फिटकरी। ये वही फिटकरी दोस्तों जिसे हम पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुराने समय में लोग क्या करते थे, पुराने समय में तो ये आरओ वाटर फिल्टर नहीं हुआ करते थे, तो ऐसे में क्या करते थे कि लोग पानी भर करके रखते थे, उसमें 2-3 मिनट फिटकरी को चलाते थे ऊपर ऊपर से और उससे क्या होता है कि गंदा पानी जो है नीचे कट करके बैठ जाता है और ऊपर का पानी पूरा साफ हो जाता है। और साथ ही पुराने समय के जो लोग थे दाढ़ी जब बनाते थे, शेविंग करते थे, तो उसके बाद शेविंग करने के बाद फिटकरी को अपने गालों पर लगा लेते थे, इससे क्या होता था कि इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता था। तो इतना बड़ा फिटकरी का टुकड़ा हमें नहीं लगने वाला है, केवल छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पे फिटकरी का लिया है और उसे कूट लेंगे किसी भारी चीज़ से। कूट लेने से बहुत ही जल्दी पाउडर फॉर्म में आ जाएगा और जब ये पाउडर फॉर्म में बन जाएगा तो हमें दांत खाज खुजली के ऊपर लगाने में भी आसानी होगी। तो 1 चम्मच नवरत्न तेल डालने के बाद हम 4 कपूर कूट के हमने डाल दिया है और यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच फिटकर का पाउडर डाल देंगे और अब हम तीनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस मलहम को आपको कब लगाना है दोस्तों, इसे आप अगर रात में लगाते हैं तो ज़्यादा देर तक ये आपके दांत खाज खुजली के ऊपर लगा रहेगा और बहुत ही जल्दी असर दिखाएगा और फिर सुबह उठकर उसे आप गुनगुने पानी से साफ कर लें। आपको इसका 100% इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा और साथ ही आपका जो रोग है वो जड़ से ही समाप्त हो जाएगा। जैसे ये होता है ना दोस्तों, ये
प्रॉब्लम, तो वैसे ही आपको इलाज शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये बढ़ता है तो हमारे घर वालों को भी तकलीफ हो सकती है, उन्हें भी ये रोग फैल सकता है, इसीलिए इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साफ सफाई का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप अपने शरीर की अच्छी तरीके से साफ सफाई करते हैं तो ये आपको रोग होने ही नहीं पाएगा। और इस मलहम को आप इस तरीके से लगा ले, अपने हाथों की मदद से आप लगा सकते हैं या कॉटन बॉल की मदद से भी लगा सकते हैं। हल्का हल्का सा मालिश करते हुए लगाएं ताकि स्किन के अंदर तक के अच्छे से अब्सॉर्ब हो सके, इससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल नेचुरल रेमेडी आज आपके साथ में मैंने शेयर किए दोस्तों, जिससे कि आपको इसका 100% इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेगा। कोई साइड इफेक्ट वाली चीज नहीं इसमें मिलाई हमने। ये नुस्खा फंगल इन्फेक्शन को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देगा। इस रेमेडी के पहले दिन के इस्तेमाल से आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे भाई वाह, आज हमें तो खुजली नहीं हुई। आप चाहे तो इस रेमेडी को आप दो बार भी लगा सकते हैं, एक रात में और एक दिन में भी आप इसे लगा सकते हैं। इससे ये जो चर्म रोग है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आप भी दांत खाज खुजली से परेशान हैं तो इस रेमेडी को आप जरूर ट्राई करें, आपको रेमेडी बहुत पसंद आएगी। साथ ही अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आपके जरिए उनकी भी मदद हो जाए। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।